भगवान की परिभाषा कर रहे हैं। जन्म आदि यस्य अतः अतः जिनमें से जन्म आदि होता है, जिनसे जन्म आदि होता है, किसका? सारा सचराचर का। जन्म आदि, जन्म सृष्टि क्रिएशन, जन्म आदि पालन और पोषण और संहार। तो भगवान की परिभाषा है या तो जो सब पैदा करता है, अपने आप में से पैदा करता है सब कुछ, सृष्टि की रचना करते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड और हर ब्रह्मांड में पृथ्वी और नीचे वाले लोग, ऊपर वाले लोग, सूर्य चंद्र और ब्रह्मांड की साइज कद भी अलग अलग होता है, बड़े छोटे। तो ये सब ब्रह्मांड की रचना, सब ब्रह्मांड का जन्म किसमें से होता है? श्री कृष्ण में से, वासुदेव में से। और बाद में उनका पालन भी करना पड़ेगा। बच्चे को जन्म दिया तो माता उनका पोषण भी करती है। तो कृष्णा माता, कृष्ण पिता, कृष्ण प्राणधन, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, पिता और माता एक, ऐसा होता नहीं लेकिन यहाँ एक आध्यात्मिक दिव्य अलौकिक जगत में एक ही है। तो जन्म क्रिएशन देन पोषण या तो पालन, जिससे सबका पालन होता है। तो हाथी चींटी चिड़िया मनुष्य राक्षस और पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब देवी देवताएं ऋषि मुनि सबका पालन पोषण एक करते हैं और वह है कृष्ण। अब देखो कितना परफेक्ट उनका काम है, क्रिएशन उनकी कितनी परफेक्ट है, उनकी सृष्टि भी कितनी परफेक्ट, सीजन भी परफेक्ट, एक के बाद एक सीजन, सीजनल चेंजेस, फल फूल और सब कुछ परफेक्ट सेटअप, परफेक्ट सेटअप। ये है कृष्ण, एक छोटा सा मस्किटो बनाते हैं कृष्ण तो हवा में उड़ सकता है, और हमें जहाज बनाने में, एक जहाज बनाने में करोड़ों रुपया खर्च, कितने इंजीनियर्स, कितने टेक्नीशियंस, क्या क्या नहीं चाहिए। छोटा मस्किटो और साइंटिस्ट अभी तक नहीं बनाए, इतनी परफेक्ट सृष्टि उनने बनाई और उनका बनाई उनका पालन पोषण भी किया और अंत में संहार भी वही करते हैं। इसलिए जन्म आदि यस्य अतः, जन्म आदि, जन्म सृष्टि स्थिति प्रलय, जन्म आदि अर्थात सृष्टि स्थिति और प्रलय, जन्म आदि यस्य अतः, अतः जिनमें से सबका जन्म, सबका पोषण, जब सबका संहार होता है, वो वासुदेव कृष्ण।